बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, लेक्चर नंबर 12 में खुश आमदीद। आज का मौजू गुफ्तगू सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की एक बड़ी मशहूर और मरूफ टेक्नोलॉजी जिसका नाम वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स है होगा। तो आज वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड को हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री किस तरह ये डेवलप हुई, आहिस्ता आहिस्ता अब किस स्टेज पे है, कितनी जगह पे इस्तेमाल हो रही है, और फाइनली फिर हम इसके डिज़ाइन पे गुफ्तगू करेंगे। और डिज़ाइन में आज हम इसके प्रोसेस डिज़ाइन पे बात करेंगे। तो ये है आज के लेक्चर के सेलियंट फीचर्स या टॉपिक। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं लेक्चर नंबर 12 की तरफ। तो जनाब, वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स, इसका जो एब्रीविएशन मैं करूँगा वो होगा WSP। W से वेस्ट वाटर, S से स्टेबलाइजेशन और P से पॉन्ड्स। अगर कोई ये सवाल करे कि वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड को ब्रीफली 1 या 2 लाइंस में डिफाइन करें तो किस तरह करेंगे, वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड जो हैं ये शेलो बेसन्स हैं या बॉडी ऑफ वेस्ट वाटर है जिसकी एक स्पेसिफिक शेप या ज्योमेट्री होती है, जो अर्दन भी हो सकती है, यानी कि मिट्टी के साथ बनी हुई, और उसका जो साइड्स हैं और उसकी जो बॉटम होगी वो अर्थन होगी, मिट्टी से बनी हुई होगी, या फिर उसकी साइड या बॉटम लाइंड भी हो सकती हैं, लाइन कंक्रीट की लाइनिंग भी हो सकती है और ब्रिक लाइनिंग भी हो सकती है। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये एक शेलो बॉडी है वेस्ट वाटर की, जिसकी के एक कंट्रोल्ड शेप होती है, ये वो अर्दन भी हो सकती है और लाइन भी हो सकती है, और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वेस्ट वाटर की वो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू होती है। इसमें आपकी कोई एफर्ट दरकार नहीं, कोई इरिगेशन की ज़रूरत नहीं, किसी मीडिया प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं जिस तरह के हमने ट्रिकलिंग फिल्टर में किया था, इरिगेशन की ज़रूरत नहीं जिस तरह हमने एक्टिवेटेड स्लज में की थी। ये नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू बाय नेचर जो प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको यूज़ करते हुए इस वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये हैं वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स। इनकी सुटेबिलिटी हम देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये आमतौर पे कहा जाता है कि ये बहुत सूटेबल हैं, इसकी वजह क्या है, ये क्यों सूटेबल हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये इसलिए सूटेबल हैं क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए। बेसिक नेसेसिटीज़ ही लोगों की पूरी नहीं हो रही होती, पानी की, वेस्ट वाटर कलेक्शन की, हेल्थ की, एजुकेशन की, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना सकते हैं अगर वो इस टेक्नोलॉजी को, वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स को, जो अब मैं WSP कहूँगा, पूरा नहीं बोलूँगा, तो WSP को यूज़ करते हुए वो वेस्ट वाटर ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा इसकी वजह ये है कि इसमें कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती। और तीसरी चीज़ ये है कि लैंड एरिया आमतौर पे रूरल सेटिंग में या स्मॉल टाउन्स में डेवलपिंग कंट्रीज़ में कन्वीनियंटली अवेलेबल होता है और एट ए चीप कॉस्ट अवेलेबल होता है, क्योंकि लैंड रिक्वायरमेंट WSP के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये वहाँ पे इशू नहीं होता लैंड की अवेलेबिलिटी। लिहाजा इनको आम तौर पे जो टर्म यूज़ की जाती है इनके लिए वो लीस्ट कॉस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, ये एक टिपिकल टर्म है जो यूज़ की जाती है। मैं रिपीट करूँगा, लीस्ट कॉस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी।
तो थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम जाएं कि वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड कैसे डेवलप हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम ये देखेंगे कि इनका इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। ये आज नहीं बनी या आज डेवलप नहीं हुई, इनका इस्तेमाल बड़ी देर से सेंचुरी से हो रहा है, आमतौर पे एनिमल और हाउस होल्ड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। लेकिन इसको बनाने के लिए 1940 तक कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं की गई, ना कोई डिज़ाइन क्राइटेरिया था, बस अपनी मर्जी से जिसने बनानी होती थी वो इसको बनाता था। तो कोई क्राइटेरिया मुहैया नहीं था जिसकी बेसिस पे इसको बनाया जाए, एफिशिएंसी के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, बाकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इसके बारे में कोई गाइडलाइन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन 1940 से लेके 1950 तक इस पे अच्छी खासी रिसर्च की गई और इसका एक रैशनल डिज़ाइन क्राइटेरिया डेवलप किया गया, इसकी वॉल्यूमेट्रिक रिक्वायरमेंट के हवाले से कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इसकी ऑर्गेनिक लोडिंग के हवाले से कि ऑर्गेनिक लोडिंग की लिमिट्स क्या होनी चाहिए, और डिटेंशन टाइम के हवाले से कि मिनिमम मैक्सिमम डिटेंशन टाइम कितना होना चाहिए। तो पहली बार रिसर्च कंडक्ट की गई इस दहाई के अंदर 1940 से लेकर 1950 तक, और बाकायदा एक डिज़ाइन क्राइटेरिया डेवलप किया गया। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये 50 से ज़्यादा मुल्कों में इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। आमतौर पे ये कंसेप्ट है कि ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही इस्तेमाल होती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम यूएसए की मिसाल लें जहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी एबंडेंटली अवेलेबल हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का भी कोई इशू नहीं है, तो वहाँ भी तकरीबन 7,000 WSPs अवेलेबल हैं। अगर टोटल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काउंट किया जाए यूएसए में, तो 1/3 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो WSP टेक्नोलॉजी पे बेस करते हैं। और ये आमतौर पे देखा गया है कि जहाँ भी पॉपुलेशन 5,000 या 5,000 से कम होती है, वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में WSP इज़ ए प्रेफर्ड टेक्नोलॉजी। इसी तरह फ्रांस में अगर देखें तो फ्रांस में 2,500 से ज़्यादा WSPs अवेलेबल है, जर्मनी में भी 3,000 से ज़्यादा WSPs अवेलेबल है, और ख़ास तौर पे फोकस किया गया है कि जहाँ पॉपुलेशन 1,000 से कम है, वहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है उन्होंने वो WSP यूज़ की है। तो ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ही नहीं, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ भी जहाँ पॉसिबल होता है इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसराइल की मिसाल लें तो इसराइल में जो फर्स्ट चॉइस है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी की वो WSP है, और इसकी वजह ये है कि वहाँ पानी की काफ़ी कमी है, और जो पानी ट्रीटमेंट के बाद मुहैया होता है WSP से वो बड़ा सूटेबल होता है इरीगेशन के लिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी रिकमेंड करती है कि जो पानी WSP में ट्रीट किया गया हो उसको आप इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अगर हम ब्रीफली लिस्ट डाउन करें इसके एडवांटेजेस, तो कुछ 7 के करीब बनते हैं। पहला, ये ट्रीटमेंट के बाद जो एफ्लुएंट होता है ये फिट होता है फॉर इरिगेशन पर्पसेस। ये किस सूरत में होता है ये हम आगे चल के देखेंगे। नंबर 2, मिनिमम स्लज हैंडलिंग प्रॉब्लम। कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर आप देखें तो उसमें डेली बेसिस पे स्लज जो प्रोड्यूस होती है उसको आपको ट्रीट करना पड़ता है, उसको हैंडल करना पड़ता है, उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। लेकिन WSP में ये इशू नहीं है, डेली बेसिस पे स्लज की हैंडलिंग और ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ती। आगे हम देखेंगे कि कितने पीरियड के बाद इसकी सफाई या स्लज की क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3, लो इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बाकी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी से काफ़ी कम होती है, और ऑपरेशनल कॉस्ट भी बराए नाम होती है इसकी, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। नंबर 4, डू नॉट रिक्वायर इम्पोर्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड स्पेयर्स। इसमें आपको किसी भी इक्विपमेंट को
इंपोर्ट करने की, उस पे अपना फॉरेन एक्सचेंज खर्च करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। एक्टिवेटेड स्लज में एरिएटर्स पाकिस्तान में लोकल नहीं बनते, आपको बाहर से मंगवाने पड़ते हैं और उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस भी एक अच्छा खासा इशू होता है। नंबर 5, मोस्ट सूटेबल इन हॉट क्लाइमेट। हॉट क्लाइमेट में ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। पाकिस्तान का क्लाइमेट मोस्टली गर्मियाँ रहती हैं, सर्दियों का मौसम बड़ा शॉर्ट होता है और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, यकीनन शुमाली इलाकों में जो सर्दियों का स्पेल है वो लंबा भी होता है और टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन जाता है। मैं पाकिस्तान के उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जो मैदानी इलाके हैं, जिसमें सिंध के इलाके आ जाते हैं, पंजाब के, बलूचिस्तान के इलाके आ जाते हैं और सूबा सरहद के भी कुछ इलाके आ जाते हैं। तो उनके लिए जहाँ ये क्लाइमेट गर्म रहता है, ये एक बड़ी सूटेबल टेक्नोलॉजी है। नंबर 6, मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रूरल सेटिंग एंड स्मॉल टाउन्स। रूरल एरियाज़ में सबसे बड़ा इशू टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का मुहैया होना। कोई भी अगर पेचीदा टेक्नोलॉजी आप लगाते हैं, एक्टिवेटेड स्लज लगाते हैं, उसकी मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा इशू होता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ अवेलेबल नहीं होती, स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं होती। अगर कोई पुर्जा ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करवाना एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। प्लांट कई कई दिन जो है उसका ऑपरेशन सस्पेंडेड रहता है। बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती है और बिजली आमतौर पर हमारे दही इलाकों में 8-8 घंटे की, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग भी होती है। उस सूरत में तो बिल्कुल भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लगानी चाहिए जो होली सोली इलेक्ट्रिसिटी पे बेस करती हो, क्योंकि इसमें प्रोसेस को रन करने के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये रूरल सेटिंग के लिए, ये स्मॉल टाउन्स के लिए एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। नंबर 7, रिजल्ट इन हाई फीकल कॉलीफॉर्म रिडक्शन। आमतौर पर जो दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं उसमें फीकल कॉलीफॉर्म की रिडक्शन, जिस तरह के एक्टिवेटेड स्लज है या ट्रीटिंग फिल्टर है, इतनी बेहतर नहीं होती जो कि इसमें हो सकती है। और फीकल कॉलीफॉर्म की रिडक्शन की वजह से आप पानी को सेफली इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जो फीकल कॉलीफॉर्म की रिडक्शन है, ये मैचुरेशन पॉन्ड ऐड करने से होती है। अगर मैचुरेशन पॉन्ड सिस्टम में ना ऐड की जाए, फिर फीकल कॉलीफॉर्म की रिडक्शन नहीं होती। इस पे तफसील में बात आगे चल के होगी इंशाल्लाह। ऑब्वियसली हर टेक्नोलॉजी जो है उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ये सब के साथ है। तो इसमें भी जो ड्रॉबैक्स हैं, सबसे पहले तो ये एरिया इंटेंसिव है, इसमें बहुत ज़्यादा एरिया रिक्वायरमेंट है, फुटप्रिंट बहुत बड़ा होता है। तो अगर अवेलेबल है एरिया और चीप कॉस्ट पे है, देन देर इज़ नो इशू। लेकिन अगर एरिया अवेलेबल नहीं है या बहुत हाई कॉस्ट है, देन यू हैव टू थिंक ओवर इट। नंबर 2, एनारोबिक पॉन्ड जो है वो ओड्रस हो सकती हैं। कब होती हैं? जब उनका डिज़ाइन जो है वो जो क्राइटेरिया दिया गया है उससे ज़्यादा ब्यूटी लोडिंग उसमें रख दी जाए, तो फिर वो ओड्रस होती हैं, अदरवाइज वो ओड्रस नहीं होती। तो ये भी एक इशू हो सकता है। ये 2 इसके ड्रॉबैक्स हैं। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड की 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को एनएरोबिक पॉन्ड कहा जाता है, इसको मैं AP से जाहिर करूँगा, इसका एब्रीवेशन। दूसरी जो टाइप होती है वो फैकल्टेटिव पॉन्ड्स है, इसको मैं FP से जाहिर करूँगा। और तीसरी जो किस्म है वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड की, वो मैचुरेशन पॉन्ड है, इसको मैं MP से जाहिर करूँगा। आमतौर पे ये 3 अकसाम एक दूसरे के साथ मिला के सीरीज़ में ये यूज़ की जाती हैं। इसकी जो डिफरेंट कन्फिग्रेशंस हो सकती हैं वो अब हम देखते हैं, और कौन सी कन्फिग्रेशन किस सूरत में इस्तेमाल होगी ये हम देखते हैं। ये कुछ कन्फिग्रेशंस मैंने आपके सामने ये लेके आया हूँ। इसमें सबसे पहले एक ही पॉन्ड है और ये फैकल्टेटिव पॉन्ड है। तो फैकल्टेटिव पॉन्ड आमतौर पे जो लो या मीडियम स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर है, उसके लिए सिर्फ फैकल्टेटिव पॉन्ड लगा देना काफ़ी होता है। बाज़ुकात फैकल्टेटिव के बाद मैचुरेशन पॉन्ड भी लगाई जाती है। वजह
उसकी वजह ये है कि पानी अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए अगर यूज़ करना हो, ये अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन क्या है ये अभी मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। अगर वेस्ट वाटर बहुत स्ट्रांग है तो फिर आपको शुरू में एनएरोबिक पॉन्ड देनी पड़ती है और उसके बाद फिर फैकल्टेटिव पॉन्ड, और अगर ज़रूरत है तो मैचुरेशन पॉन्ड भी दे सकते हैं, अगर नहीं तो आप एनएरोबिक और फैकल्टेटिव भी दे सकते हैं। ये एक और कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एनएरोबिक पॉन्ड है, हो सकता है कि पानी स्ट्रांग हो, बीओडी अगर 250-200 से ज़्यादा हो तो एनएरोबिक पॉन्ड देना मुफीद रहता है, फिर फैकल्टेटिव पॉन्ड, फिर मैचुरेशन, और मैचुरेशन के बाद एक और मैचुरेशन पॉन्ड। बाज़ुकात एक मैचुरेशन पॉन्ड जो है वो फीकल कॉलीफॉर्म का क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाती तो फिर आप फर्दर ऐड करते जाते हैं, उस वक्त तक ऐड करते हैं जब तक कि क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाता। इस पे भी हम तफसील से बात करेंगे और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अब हम आ जाते हैं रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन, ये क्या चीज़ होती है। रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन जो है, अगर पानी से जो ट्रीटमेंट के बाद WSP में आपने करनी है तो उसके लिए आपको आइदर फैकल्टेटिव पॉन्ड सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, या अगर पानी स्ट्रॉन्ग है वीक और मीडियम स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर, और ये हम पढ़ चुके हैं करेक्टराइजेशन में कि वीक वेस्ट वाटर क्या होता है, जिसकी ब्यूटी कम होती है, मीडियम जिसकी उससे ज़्यादा होती है, और स्ट्रॉन्ग जिसकी उससे भी ज़्यादा होती है। आमतौर पे जो 300 के करीब ब्यूटी होती है, 250 के करीब, वो स्ट्रॉन्ग वेस्ट वाटर शुमार किया जाता है। अगर 150 के करीब हो, 190 के करीब हो तो ये मीडियम स्ट्रेंथ है, अगर 120 के करीब हो तो ये वीक वेस्ट वाटर इसको कहा जाता है। तो वीक और मीडियम स्ट्रेंथ के लिए सिर्फ फैकल्टेटिव, और अगर स्ट्रांग है तो एनएरोबिक और फैकल्टेटिव इन सीरीज लगाई जाती है। रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन से मुराद ये है कि कोई भी इंडस्ट्रियल क्रॉप, अगर आप उसको पानी देना चाहते हैं WSP का, तो उसको हम रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन कहेंगे। इंडस्ट्रियल क्रॉप में कॉटन आ जाती है, उसको आप कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सनफ्लावर आ जाता है, उससे आप तेल निकालते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ खाने की जो आप डायरेक्ट यूज़ में नहीं लेकर आते, मिसाल के तौर पे गंदम। गंदम को थ्रेश किया जाता है, धोया जाता है, सारा कुछ किया जाता है, उसके बाद फिर उसको आप इस्तेमाल में लेकर आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, कॉटन को, सनफ्लावर को, गंदम को आप पानी दे सकते हैं सिर्फ एनएरोबिक पॉन्ड और फैकल्टेटिव पॉन्ड से ट्रीट करने के बाद, और ऐसी इरिगेशन को रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन कहा जाता है। दूसरी टाइप है अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन। अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए ज़रूरी है कि आप मैचुरेशन पॉन्ड को ऐड करें, अगर आपने एनएरोबिक और फैकल्टेटिव का कम्बिनेशन इन सीरीज़ यूज़ किया है, या अगर सिर्फ फैकल्टेटिव किया है तो उसके बाद मैचुरेशन पॉन्ड ऐड करें। अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन वेजिटेबल्स को जो पानी दिया जाना है, या ऐसी वेजिटेबल्स जो आप रॉ बग़ैर पकाए खा सकते हैं, मिसाल के तौर पे सैलड है, सैलड के पत्ते हैं, ये आप पका के नहीं खाते, तो ऐसी चीज़ें, सब्जियां या ऐसी सब्जियां जिनको आप बग़ैर पकाए खाते हैं, उसको जब इरिगेशन की जाती है तो उसको अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन कहा जाता है। अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए फीकल कॉलीफॉर्म की रिडक्शन की जाती है, जिसके लिए फिर मैचुरेशन पॉन्ड को इस्तेमाल किया जाता है। WHO गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर पानी को इस्तेमाल करना है अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए, तो फिर फीकल कॉलीफॉर्म का जो काउंट है, इट शुड बी लेस देन 1000 MPN, मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 ml, ये इसके यूनिट्स हैं फीकल कॉलीफॉर्म के डिफाइन करने के, MPN पर 100 ml। ये इससे कम हो तो फिर आप अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन करें, अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर पानी को अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अलबत्ता रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया जा सकता है। रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन ये मैंने डिफाइन आपको कर दिया है, फुट नोट में भी इनकी डेफिनेशंस मौजूद हैं, वहाँ फिर मैं दोबारा आपको दिखा दूँगा। लोकेशन के हवाले से वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के ये एडवाइजेबल है कि 500 मीटर बफर जोन दिया जाए,
मेन जहां पॉपुलेशन है उससे कम 500 मीटर अवे इसको बनाया जाए, और उसकी एस्थेटिक्स और एनवायरमेंटल रीजंस होती हैं। लोग नहीं पसंद करते कि उनके करीब कोई बहुत बड़ी वेस्ट वाटर की ऐसी बॉडी हो, मच्छर, मक्खियाँ, ओडर प्रॉब्लम, या एस्थेटिकली देखने में बुरा लगता है। इसलिए 500 मीटर कम से कम इसको मेन पॉपुलेशन से दूर बनाना चाहिए। लाइनिंग की ज़रूरत कब होती है? अगर वाटर टेबल हाई हो, पानी मीठा हो और लोग हैंडपम्प या ट्यूबवेल से उसको ड्रॉ कर रहे हों, तो फिर जो WSP है उसकी लाइनिंग करनी पड़ती है। ब्रिक लाइनिंग सस्ती रहती है, कंक्रीट लाइनिंग खैर बहुत महंगी हो जाएगी। तो लाइनिंग से क्या होता है कि पानी सीप नहीं होता। अगर अर्थन हो तो पानी सीप होगा और वो वाटर टेबल को कंटेमिनेट कर सकता है, लोग बीमार हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जबकि वाटर टेबल हाई हो और वो इस्तेमाल हो रहा हो वाटर सप्लाई पर्पजेज के लिए, तो फिर ब्रिक लाइनिंग या कोई भी दूसरी लाइनिंग देना ज़रूरी हो जाता है ताकि वाटर जो है वो कंटेमिनेट ना हो। अब हम आते हैं डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन में WSP के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा उसका प्रोसेस डिज़ाइन, दूसरा हिस्सा उसका फिज़िकल डिज़ाइन। आम तौर पे प्रोसेस डिज़ाइन पे बहुत ज़ोर दिया जाता है। प्रोसेस डिज़ाइन में वॉल्यूमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स को निकाला जाता है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, लेकिन जो फिज़िकल डिज़ाइन है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। फिज़िकल डिज़ाइन में पॉन्ड की ज्योमेट्री, इनलेट आउटलेट की पोजीशन और कुछ और चीज़ें आती हैं जो हम आगे चल के देखेंगे। याद रखिएगा, फिज़िकल डिज़ाइन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज प्रोसेस डिज़ाइन। बहुत अच्छा प्रोसेस डिज़ाइन अगर हो और फिज़िकल डिज़ाइन पुअर हो, इट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट और कैन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ WSP। तो इसको इग्नोर नहीं करना, इस पे पूरी तवज्जो उसी तरह रखनी है और देनी है जिस तरह के आप प्रोसेस डिज़ाइन पे देते हैं। तो ये फुटनोट्स हैं, आप इनको एक बार देख लें। रिस्ट्रिक्टेड इरिगेशन, इरिगेशन फॉर इंडस्ट्रियल क्रॉप्स सच एज कॉटन, सनफ्लावर एंड फूड क्रॉप्स, नॉट फॉर डायरेक्ट ह्यूमन यूज लाइक वीट। अनरिस्ट्रिक्टेड इरिगेशन, इट कवर्स वेजिटेबल क्रॉप्स इंक्लूडिंग दोज ईटन अनकुक्ड सच एज सैलड क्रॉप। तो ये फुटनोट में ये डेफिनेशंस भी दी हुई है। आगे हम चलते हैं, प्रोसेस डिज़ाइन को हम देखते हैं। प्रोसेस डिज़ाइन जो है, इट इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक रिक्वायरमेंट। वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वॉल्यूम से आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया से आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं, तो इसको हम प्रोसेस डिज़ाइन कहेंगे। और दूसरा जो पार्ट है वो है फिज़िकल डिज़ाइन। It includes the geometry and position of inlet and outlet of WSP. So, the design of WSP can be divided into two parts. Number one, the process design, and number two, the physical design. तो हम start करते हैं process design से। तो सबसे पहले हम देखेंगे AP का, फिर FP का और फिर MP का प्रोसेस डिज़ाइन। तो स्टार्ट हम AP से लेते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट डायग्राम कह लें या एक रफ स्केच कह लें AP का। ये इसकी डायमेंशंस हैं, ये साइड स्लोप्स हैं इसकी, और ये बॉटम है, ये भी साइड स्लोप है। ये इन्फ्लुएंट वेस्ट वाटर इसके अंदर यहाँ से एंटर हो रहा है। आमतौर पर जो इनलेट्स हैं वो पाइप की फॉर्म्स में होती हैं WSP में। तो इसकी डेप्थ 3 मीटर से लेके 4.5 मीटर तक होती है, ये डीप होती है। बॉटम पे जो सॉलिड्स हैं वो बैठ जाते हैं, जिसको हम स्लज कहते हैं, और यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन उनकी होती रहती है स्लज की। और जो आउटकम है एनारोबिक प्रोसेस का, याद रखें कि उसमें मीथेन और H2S गैस पैदा होती है, और
जो ओडर होता है वो इस H2S गैस की वजह से होता है जब ये खारिज होती है यहाँ से। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है, तो ये एनारोबिक डाइजेशन जो नीचे होती है स्लज की, इसके नतीजे में ये चीज़ें यहाँ से एमिट होती हैं। इसके टॉप पे आमतौर पे एक मोटी लेयर स्कम की होती है, और आप आउटलेट देखें ये भी एक स्पेसिफिक शेप है। ये इस शेप की वजह से जो स्कम है ये एफ्लुएंट के साथ नहीं जाती और ये यहाँ पे रुक जाती है और ऊपर फ्लोट करती रहती है, और लेटर बाद में इसको हटाया भी जा सकता है। आमतौर पे इसको हटाया जाता नहीं है क्योंकि ये इसको एनारोबिक रखने में मदद देती है, बाहर से ऑक्सीजन जो है इसके अंदर नहीं आ सकती क्योंकि ये एनारोबिक पॉन्ड है, तो आमतौर पे इसको रिमूव नहीं किया जाता। तो ये एक स्केच था एनारोबिक पॉन्ड का। अब हम डिज़ाइन क्राइटेरिया इसका डिस्कस करते हैं। तो जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है एनारोबिक पॉन्ड का, इसमें जो मेन पैरामीटर है जिस पे ये डिज़ाइन की जाती है वो है वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग। तो क्राइटेरिया दिया हुआ है डंकन मारा के मैनुअल में, अभी मैं उसका रेफरेंस भी आपको दे दूंगा। डंकन मारा जो है ये प्रोफेसर हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लीड्स यूनिवर्सिटी यूके में, और इनका बहुत एक्सटेंसिव वर्क है, रिसर्च वर्क वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड पे, और इनके जो मैनुअल्स लिखे हुए हैं वो अब आम तौर पे पूरी दुनिया में उनको अडॉप्ट कर लिया गया है, और हमने भी इन्हीं के मैनुअल में दिया हुआ डिज़ाइन क्राइटेरिया हम अडॉप्ट करेंगे। तो ये टेबल के अंदर मैंने वो डिज़ाइन क्राइटेरिया लिख दिया है। टेबल का कैप्शन है परमिसिबल BOD वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक से मुराद ये होता है कि ये वॉल्यूम के ऊपर बेस कर रही है, और अगर सरफेस है तो वो एरिया के ऊपर बेस करेगी। ये डिफरेंस है वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग में, और उसको हम दूसरी को सरफेस लोडिंग कहते हैं। तो BOD वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग एंड परसेंटेज BOD रिमूवल इन एनारोबिक पॉन्ड्स। तो ये रेफरेंस मैंने लिख दिया, मैं आपको दिखा भी दूंगा। टेबल में तीन कॉलम है। पहला कॉलम टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा कॉलम BOD वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग, यूनिट्स हैं ग्राम्स ऑफ BOD पर मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द पॉन्ड पर डे। क्योंकि ये वॉल्यूम पे बेस है इसलिए इसको वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग कहा गया। और तीसरे कॉलम में BOD रिमूवल परसेंटेज एनारोबिक पॉन्ड में। अगर टेम्परेचर 10 से कम हो तो जो लोडिंग है BOD की डिज़ाइन के लिए जो आप लेंगे वो होगी 100 ग्राम्स ऑफ BOD पर मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द पॉन्ड पर डे, और रिमूवल एनारोबिक पॉन्ड में जो BOD की होगी वो 40% तक रिमूवल होती है इस टेम्परेचर पे। नेक्स्ट इज, अगर टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो जो वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग है वो 20T-100। टी क्या है इसको भी हम देखते हैं, और रिमूवल होगी 2T+20। इसी तरह ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ये वैल्यूज आप देख रहे हैं, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है लोडिंग की वो 350 से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, 350 ग्राम्स ऑफ BOD पर मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द पॉन्ड पर डे। क्योंकि जब इससे ज़्यादा लेते हैं तो फिर ओडर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और इस टेम्परेचर पे 25 डिग्री से ऊपर इस लोडिंग पे 70% BOD की रिमूवल हो जाती है, जो कि अच्छी खासी रिमूवल है। टी क्या है, मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोल्डेस्ट मंथ आमतौर पे हमारे यहाँ दिसंबर या जनवरी होता है। पाकिस्तान का जो डाटा है जो डिफरेंट सिटीज़ का हमने एनालाइज करने का इत्तेफाक हुआ, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जो मैदानी इलाकों में टेम्परेचर है मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ वो 14 से लेके 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेंज करता है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द डाटा दैट वी हैव एनालाइज्ड फॉर सिटीज़ लाइक गुजरांवाला एंड सियालकोट एट्सेट्रा। डिटेंशन टाइम एनारोबिक पॉन्ड में वेरी कर सकता है 1-5 डेज। जो रेफरेंस है इसका वो है मारा
डी डंकन मारा 1997 मैनुअल ऑफ वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स इन इंडिया, क्योंकि इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक और वेदर कंडीशंस हमसे मिलती जुलती हैं, इसलिए ये जो रिसर्च वर्क था उसका वहाँ उसकी बेस पे उसने वो मैनुअल लिखा, हमारे यहाँ एप्लीकेबल है। पेज नंबर 34 पे ये टेबल दिया गया है वहाँ पे, और ये वहाँ से पेज नंबर 34 से लिया गया है। साइड स्लोप्स जो एनारोबिक पॉन्ड की होती हैं वो आमतौर पे जो स्टेबिलिटी जिनकी अच्छी होती है, जिनमें फिलवर्स कम होते हैं, वो 1:3 हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं आप। और एरिया की कैलकुलेशन जो इसमें की जाती है, इट इज़ ऑलवेज मिड डेप्थ एरिया। मिड डेप्थ एरिया क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे जब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। नंबर 4 डी स्लजिंग पीरियड, इसका आमतौर पर 5 साल बाद इसको डी स्लज करना पड़ता है। डेली बेसिस पे आपको कोई इशू नहीं है कि डेली बेसिस पे स्लज प्रोड्यूस हो रही है, आपको उसको हैंडल करना पड़ रहा है, ट्रीट करना पड़ रहा है, डिस्पोज ऑफ करना पड़ रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। 5 साल के बाद आपको इसको फिर ड्रेन करके और स्लज की रिमूवल करनी पड़ेगी, और फिर दोबारा 5 साल मजीद निकल जाएंगे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा WSP की टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। It has been found that no significant increase in BOD removal was observed when detention time is increased from 1 day to 5 day. ये डंकन मारा के मैनुअल में लिखा हुआ है। उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, 1 day डिटेंशन टाइम भी रखा, 2 day भी रखा, 3 day भी रखा और 5 day भी रखा, और देखा कि एफिशिएंसी क्या बढ़ती है BOD रिमूवल की। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि एफिशिएंसी पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ता, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं होती अगर हम डिटेंशन टाइम बढ़ाते जाएं। तो लिहाजा मैं आपको यही कहूँगा, बड़ी यूज़फुल रिसर्च है कि आप 2 दिन से ज़्यादा डिटेंशन टाइम ना रखें। देखें, जितना ज़्यादा आप डिटेंशन टाइम रखेंगे उतना ज़्यादा ही एरिया की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और उसका कोई एसोसिएटेड बेनिफिट नहीं होगा। या तो बेनिफिट ये हो रहा हो कि आपकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो रही हो, रिमूवल भी BOD की इम्प्रूव हो रही हो। जब ये इस तरह का कोई ऐसा नतीजा सामने नहीं आता तो खामखा एरिया बढ़ाने का और उसकी कॉस्ट बढ़ाने का, उसका फुटप्रिंट बढ़ाने का जो है कोई यूज़ नहीं होगा। लिहाजा अब 2 दिन मैंने क्यों कहा, 1 दिन क्यों नहीं कहा, इसकी वजह यह है कि आम तौर पे जब स्लज नीचे बैठती है तो उसका जो यूज़फुल वॉल्यूम है या इफ़ेक्टिव जो डिटेंशन टाइम है वो 1 दिन से कम हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, मिनिमम इस 1 day। तो थोड़ा सा आप सेफ्टी और कुशन रख के 2 दिन रखेंगे तो अगर हाफ डे पे भी उसका जो स्लज है वो ऑक्यूपाई कर लेगी तो 1.5 दिन का फिर भी अवेलेबल होगा। ये मेरी एक सुजेशन है, आप इसको फॉलो करें तब भी ठीक है, और अगर आप 1 day पे करना चाहते हैं तो तब भी आप आज़ाद हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो 1 day अलाउ कर रहा है। ये मैं आपको अपने तजर्बे की बेस पे बता रहा हूँ। दूसरा, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू जो है वो डी स्लजिंग का है। 5 साल के बाद डी स्लजिंग नहीं की जाती, 10-10 साल, 15-15 साल। उस सूरत में अगर 1 दिन का डिटेंशन टाइम है और आधी पौंड आपकी भर गई है स्लज से और आपने उसको डी स्लज ही नहीं किया 10 साल तक, तो उसका जो इफेक्टिव टाइम है वो 0.5 day रह जाएगा और उसमें वो BOD रिमूवल अचीव नहीं हो पाएगी जो कि हमने शुरू में सोचा हुआ है और फिक्स की हुई है। इसलिए पाकिस्तान की कंडीशंस में मैं ये सुजेस्ट करूंगा कि आप अगर 2 दिन ले लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वॉल्यूमेट्रिक BOD लोडिंग का जो फार्मूला दिया हुआ है डंकन मारा में वो है लैम्डा वी। वी जो है वो वॉल्यूमेट्रिक को शो करता है, इट इज़ इक्वल टू LIQ/VA, इसको मैं कहूँगा इक्वेशन ए। तो हम देखते हैं, टर्म्स को डिफाइन करते हैं। लैम्डा वी इज़ वॉल्यूमेट्रिक BOD लोडिंग इन ग्राम्स ऑफ BOD पर मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द पॉन्ड पर डे। LI इन्फ्लुएंट BOD, इट इज़ इन मिलीग्राम्स पर लीटर और ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। इन्फ्लुएंट मीन्स के वो वेस्ट वाटर जो एंटर हो रहा है एनारोबिक पॉन्ड में उसकी BOD। Q is wastewater flow, it is in cubic meter per day, and VA, A stands for जो subscript A है anaerobic, volume of the anaerobic pond it is in meter cube।
तो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया डिज़ाइन क्राइटेरिया एनारोबिक पॉन्ड का। अब हम फैकल्टेटिव पॉन्ड की पहले डायग्राम देखेंगे, कॉन्सेप्ट डायग्राम, और फिर उसका डिज़ाइन क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। आपके सामने डायग्राम है फैकल्टेटिव पॉन्ड की। पाइप से पानी आ रहा है, इसकी डेप्थ आमतौर पे 1.5 मीटर से लेके 2 मीटर तक रेंज करती है। फैकल्टेटिव पॉन्ड के 3 पोर्शन होते हैं। टॉप पोर्शन एरोबिक होता है, इसमें एलजी ग्रो करती है। एलजी जो है जब ग्रो करती है, जब पौधा आप देखते हैं ऑक्सीजन छोड़ता है, तो वो ऑक्सीजन फिर बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। तो इस पोर्शन में, थोड़े से पोर्शन में एरोबिक बैक्टीरिया काम कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन बाहर से एटमॉस्फेयर से आती है, सनलाइट पड़ रही होती है, तो ऑक्सीजन पड़ती है और सनलाइट पड़ती है तो एलजी जो है वो काम करती है सनलाइट की प्रेजेंस में। और उसके बाद टॉप लेयर के बाद मिडल लेयर है, ये फैकल्टेटिव होती है। इसमें बैक्टीरिया दोनों किस्म के होते हैं, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी काम करते हैं और अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तब भी काम करते हैं और फूड को मेटाबोलाइज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को। ऐसे बैक्टीरिया को जो दोनों कंडीशंस में काम कर लें, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। बॉटम लेयर जो है वो एनारोबिक होती है। ऑक्सीजन यहाँ पे कम होती है, बल्कि होती ही नहीं, एनारोबिक इसीलिए इसको कहा गया है। तो ये बॉटम का थोड़ा सा पोर्शन फैकल्टेटिव पॉन्ड का एनारोबिक होता है। अगर आप देखें तो एक ख़ास अंदाज से ये बनाई गई है आउटलेट भी, और ये जो पोर्शन है ये रोकता है कोई भी फ्लोटिंग मैटर या स्कम वगैरह है उसको एफ्लुएंट में जाने से। तो ये थी कॉन्सेप्ट डायग्राम फैकल्टेटिव पॉन्ड की। अब हम इसकी एप्लीकेशन पे आ जाते हैं कि ये कहाँ अप्लाई होती है। मोस्टली ये यूज़ होती है डोमेस्टिक सीवेज के लिए, लो से लेके मीडियम स्ट्रेंथ तक। ये हम जिस तरह पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हैज़ 3 जोन्स, इसके 3 जोन होते हैं जो कि हमने ऊपर देखे हैं। अब हम डिज़ाइन क्राइटेरिया पे आते हैं इसके। इनको फैकल्टेटिव पॉन्ड को सरफेस लोडिंग रेट पे डिज़ाइन किया जाता है। किलोग्राम्स ऑफ बीओडी पर हेक्टर एरिया ऑफ द पॉन्ड पर डे। और जो डंकन मारा में फॉर्मूला दिया हुआ है वो है लैम्डा एस। एस जो है वो सरफेस लोडिंग को जाहिर करता है। इट इज़ इक्वल टू 10 LiQ/AF। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन बी। अब हम टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। लैम्डा एस इज सरफेस बीओडी लोडिंग, और ये क्या होगी, किलोग्राम्स ऑफ बीओडी पर हेक्टर एरिया ऑफ द पॉन्ड पर डे। नाउ LI इज इन्फ्लुएंट बीओडी, इट इज इन मिलीग्राम्स पर लीटर और ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। LI वो बीओडी है जो फैकल्टेटिव पॉन्ड के अंदर वेस्ट वाटर आ रहा है उसकी बीओडी। अगर आप एनारोबिक और फैकल्टेटिव का कम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो मोहतात रहें कि कुछ रिमूवल एनारोबिक पॉन्ड में हुई है बीओडी की और उसके बाद वो फिर फैकल्टेटिव पॉन्ड में आया है। तो वो जो रिमूवल होने के बाद बीओडी है उस पे ये डिज़ाइन होगी। अगर आप इनिशियल बीओडी पे कर देंगे तो फिर आप ओवर डिज़ाइन करेंगे। AF फैकल्टेटिव पॉन्ड एरिया मीटर स्क्वेयर, ये मिड डेप्थ एरिया है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पे। क्यूब वेस्ट वाटर फ्लो मीटर क्यूब पर डे। अब परमिसिबल सरफेस लोडिंग जो है वो हमें 2 जगह से मिलती हैं। डंकन मारा के हाथ से मिलेगी, उसके मैनुअल से। डंकन मारा के मैनुअल के मुताबिक जो परमिसिबल लोडिंग है सरफेस लोडिंग फैकल्टेटिव पॉन्ड पे, वो 20T-120 होनी चाहिए। ये पेज नंबर 37 पे दी हुई है। और टी क्या है, मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ। पाकिस्तान में आमतौर पे मैदानी इलाकों में 14 से लेके 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको मेट डिपार्टमेंट से डाटा लेना पड़ेगा दिसंबर जनवरी का, तो फिर आप उसमें से मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ देखेंगे। मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ कैसे निकालते हैं, जो सबसे कम टेम्परेचर है उस दिन में और जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, उसको जमा करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये मीन टेम्परेचर आ जाता है। एक दूसरी जगह भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो है लैम्डा एस इट इज़ इक्वल टू 20T-60।
ये 120 है, ये 60 है। अच्छा, इस सूरत में लैम्डा एस जो सरफेस लोडिंग है वो कम आएगी और एरिया आपका फैकल्टेटिव पॉन्ड का ज़्यादा आएगा। इस सूरत में ये लैम्डा एस ज़्यादा आएगी क्योंकि आपने जो माइनस किया है वो 60 किया है, तो जब ये ज़्यादा आएगी तो पॉन्ड का एरिया कम हो जाएगा। ये फार्मूला दिया है आर्थर ने। आर्थर भी एक एनवायरमेंटल इंजीनियर थे, उन्होंने वर्ल्ड बैंक के लिए काम किया 1983 में और एक पेपर लिखा जिसका रेफरेंस अभी नीचे आ रहा है, उसके पेज नंबर 19 पे उन्होंने ये फार्मूला दिया हुआ। फॉर फैकल्टेटिव पॉन्ड परमिसिबल सरफेस लोडिंग आप कैलकुलेट करते हैं, आप या तो इक्वेशन सी यूज़ कर लें या इक्वेशन डी यूज़ कर लें, इससे आप परमिसिबल लोडिंग फाइंड आउट करें और उसके बाद पॉन्ड का एरिया जो है वो आप इक्वेशन बी से निकालेंगे जो ऊपर ये इक्वेशन बी है। तो ये लैम्डा एस आपने निकाल लिया यहां से, आइदर आपने डंकन मारा का फार्मूला यूज किया या आर्थर का, और लैम्डा एस जब आपको पता चल गया तो फिर आपको इनिशियल जो बीओडी है वो भी आपके इलम में है, क्यू इलम में है, तो आप एरिया फैकल्टेटिव पॉन्ड का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द एरिया दस कैलकुलेटेड इज मिड डेप्थ सरफेस एरिया MDSA। ये बार बार आ रहा है मिड डेप्थ एरिया, ये क्या है इसको हम प्रॉब्लम में जाके इंशाल्लाह देखेंगे, वहाँ आपको फिगर के जरिए ये ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। डिटेंशन टाइम फैकल्टेटिव पॉन्ड में 7 से लेके 20 दिन तक हो सकता है। साइड स्लोप 1 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल। अगर आप ज़्यादा स्टीप स्लोप बना देंगे तो स्लोप फेलोर हो सकता है, वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड फेल हो सकती है, पानी बाहर बिखर सकता है, इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है और ये हम तफसील से आगे जाके इसके फिजिकल डिज़ाइन में भी इसको डिस्कस करेंगे। आर्थर का जो रेफरेंस है वो आर्थर JP 1983, उसका जो टाइटल है वो है नोट्स इन द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स इन वार्म क्लाइमेट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब कुछ लोग वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड यूज़ करते हैं, कुछ वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड यूज़ करते हैं, दोनों तरह के नॉमिक्लेचर मुरवज हैं, लेकिन डंकन मारा का जो मैनुअल है उसमें वेस्ट वाटर का लफज यूज़ हुआ है, वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। तो ये वर्ल्ड बैंक का टेक्निकल पेपर था एक, उनकी फंडिंग पे इन्होंने रिसर्च की और लिखा और टेक्निकल पेपर नंबर 7 था और उसके पेज नंबर 19 पे फार्मूला जो ऊपर दिया गया है ये यहाँ पे ये वाला ये मिलेगा आपको वहाँ पे। अगर आप मुझे ईमेल कर दें CR, तो मैं आपको डंकल मारा का मैनुअल और आर्थर का ये पेपर जो है आपको ईमेल से अटैच करके भेज दूंगा, आपके पास रेफरेंस होगा और आप इसको मज़ीद देख सकते हैं और ये आपके फ्यूचर में काम भी आ सकता है। आगे चलते हैं। डेप्थ जो फैकल्टेटिव पॉन्ड की है वो 1.5 मीटर से मैक्सिमम 2 मीटर होती है। डीस्लेजिंग पीरियड इसका 10 से 15 साल तक होता है। 10 साल के बाद या 15 साल के बाद एक बार आपको इसको डीस्लज करना पड़ता है। डेली बेसिस पे स्लज हैंडलिंग और ट्रीटमेंट और डिस्पोजल की कोई इशू नहीं होता। एफ्लुएंट जो है उसकी कोई स्मेल नहीं होती, जब वो फैकल्टेटिव पॉन्ड से ट्रीट हो जाता है ग्रीनिश होता है क्योंकि उसमें एलजी होती है, उसकी वजह से उसका कलर थोड़ा ग्रीन होता है। और बीओडी इसकी 50 से लेके 75 मिलीग्राम पर लीटर तक होती है। फॉर टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ए मिनिमम डिटेंशन टाइम ऑफ 5 डेज शुड बी अडॉप्टेड फॉर फैकल्टेटिव पॉन्ड्स। अब इसकी रीज़न क्या है, दिस इज़ टू गिव द एलजी सफिशेंट टाइम टू मल्टीप्लाई, दैट इज़ टू प्रिवेंट एल्गल वॉश आउट। टेम्परेचर अगर कम हो तो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरी चीज़ें, पौधे, ये ज़रा उनकी ग्रोथ कम होती है, हाई टेम्परेचर पर ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो जब टेम्परेचर 20 से कम हो तो डिटेंशन टाइम को 5 डेज से कम ना करें। फर्ज करें आप कैलकुलेट करते हैं और वो 4 डेज निकलता है, तो उसको इंक्रीज करके 5 पे ले जाएं, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि एलजी का वॉश आउट हो जाएगा और वो प्रॉपर एलजी का जो फंक्शन है और बैक्टीरिया के साथ एक रिलेशनशिप है कि वो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, बैक्टीरिया उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं और वो म्यूचुअली एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। इसकी जो रिलेशनशिप है इसको सिम्बायोसिस कहते हैं, इस पर आगे चल के मैं भी बात करता हूँ। फार्मूला
अगर फैकल्टेटिव बॉन्ड है और आप चाहते हैं कि उसकी निकालें कि अगर इतनी बीओडी आ रही है तो ट्रीटमेंट के बाद कितनी बीओडी हमें मिल जाएगी, उसके लिए ये फार्मूला है LE/LI, इट इज़ इक्वल टू 1/1+KT। ये एकनफेल्डर की बुक में दिया हुआ है, वो 1917 में पब्लिश हुई थी, पेज नंबर 159 पे ये फार्मूला दिया हुआ है। टर्म्स को मैं डिफाइन कर देता हूँ। LE ये है एफ्लुएंट बीओडी मिलीग्राम्स पर लीटर में, LI ये इन्फ्लुएंट बीओडी है मिलीग्राम्स पर लीटर में, K इज रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट पर डे। रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है 0.5 पर डे दी हुई है डोमेस्टिक सीवेज के लिए एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू दी हुई है मेटकाफ एंड एडी पेज 841 पे। तो टी जो है इस इक्वेशन में वो है डिटेंशन टाइम इन डेज। तो आमतौर पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, इसके नीचे खत्ते कशीद लगाना चाहता हूँ कि 90% पॉन्ड्स दुनिया के अंदर फैकल्टेटिव पॉन्ड्स होती हैं, एनारोबिक और मैचुरेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 90% पॉन्ड्स दुनिया में इस वक्त जहां भी WSP बना हुआ है, 90% वहां सिर्फ फैकल्टेटिव पॉन्ड प्रोवाइड की गई है। वेस्ट वाटर मीडियम होगा या उसकी वीक स्ट्रेंथ का होगा, और आगे अनरिस्ट्रिक्टेड इरिगेशन नहीं हो रही होगी। तो टेम्परेचर का, क्योंकि ये रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट 20 डिग्री दे दिया गया है, अगर टेम्परेचर आपका फ़र्क है, जिस तरह हमारा पाकिस्तान में 14 या 16 मिलेगा, तो आपको के की वैल्यू उस टेम्परेचर पे निकालनी पड़ेगी। वो आप कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन क्या कहती है? ये कहती है K2 इट इज़ इक्वल टू K1 थीटा रेज टू द पावर T2 - T1। एकनफेल्डर का ये रेफरेंस है, एकनफेल्डर WW 1970। किताब का टाइटल है वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस फॉर प्रोसेस डिज़ाइन, और ये जेनकिन पब्लिशिंग कंपनी ने USA में पब्लिश किया। हमारी लाइब्रेरी में इसकी एक कॉपी इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में मौजूद है। टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। टेम्परेचर के लिए K1 रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0.5 है हमें इलम है इसका। K2 रिएक्शन रेट कांस्टेंट आपके अपने टेम्परेचर पे, लाइक पाकिस्तान में अगर आपने 14 या 16 पे करना है तो वो 14 या 16 हो जाएगा। T1 इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 इज टेम्परेचर एट दी WSP साइट, जिस साइट पे WSP बनानी है उसका टेम्परेचर क्या है। थीटा इट इज़ इक्वल टू ए कांस्टेंट, थीटा एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.04 है, ये भी मेटकाफ एंड एडी के पेज 841 पे दी हुई है। बीओडी रिमूवल फैकल्टेटिव पॉन्ड में आमतौर पे 70-80% होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन अनफिल्टर्ड सैंपल्स एंड यूजली अबव 90% बेस्ड ऑन फिल्टर्ड सैंपल्स। ये क्या चीज़ है? अनफिल्टर्ड सैंपल मीन्स कि आपने जो सैंपल ड्रॉ किया, ले लिया, उसमें LGB है। अब LGB कोई ऑर्गेनिक मैटर है, वो बीओडी एग्जर्ट करेगी, तो बीओडी की जो रिमूवल है वो अनफिल्टर्ड सैंपल की कम आएगी। यूरोप के अंदर वो आमतौर पे जो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करते हैं WSP की, वो फिल्टर्ड सैंपल की बेस पे करते हैं। वो सैंपल को लेते हैं फैकल्टेटिव पॉन्ड से, उसको फिल्टर करते हैं, LG फिल्टर आउट हो जाती है, वेस्ट वाटर बच जाता है, उसको जब उसकी BOD करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी BOD कम आती है, क्योंकि उसमें LG नहीं होती। LG भी ऑर्गेनिक मैटर है, वो भी BOD एग्जर्ट करती है, तो लिहाजा परफॉर्मेंस बेहतर आ जाती है। ये फ़र्क है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम अनफिल्टर्ड सैंपल को इस्तेमाल करते हैं। एफ्लुएंट जो होता है वो आमतौर पे ग्रीनिश कलर का होता है फैकल्टेटिव पॉन्ड का, वजह LG की प्रेजेंस की वजह से। अब आ जाते हैं बैक्टीरिया और LG किस तरह आपस में एग्जिस्ट करते हैं एक फैकल्टेटिव पॉन्ड में। इनका जो रिलेशनशिप होता है इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए मुफीद हों, मैं आपके लिए मुफीद हूँ, आप मेरे लिए मुफीद हैं, तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अगर मैं आपको कोई फ़ायदा दे रहा हूँ और आप मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, तो देन इट इज़ नॉट ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो क्योंकि LG बैक्टीरिया की ग्रोथ में मदद कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया LG की ग्रोथ में मदद कर रहे होते हैं, तो ऊपर वाला जो पोर्शन एरोबिक पोर्शन है जिसमें LG होती है, LG एंड बैक्टीरिया जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, दे एग्जिस्ट इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अंडर नॉर्मल लाइट कंडीशंस। ये बड़ा ज़रूरी फिक्र है,
नॉर्मल लाइट कंडीशन, क्योंकि लाइट जब नहीं होगी एलजी काम नहीं करेगी। रात के वक्त लाइट नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं करेगी, वो ऑक्सीजन नहीं बनाएगी। ये रिलेशनशिप पे एक फिगर के जरिए मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बैक्टीरिया जो मौजूद हैं वो वेस्ट वाटर के अंदर से बीओडी को एज ए फूड ले रहे हैं, एलजी उनके लिए ऑक्सीजन बना रही है। इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो इस वेस्ट वाटर के अंदर मौजूद बीओडी को एज ए फूड कंज्यूम करेंगे और मजीद सेल बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड एलजी इस्तेमाल करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और मजीद एलजी पैदा होगी इसकी, और साथ ही ऑक्सीजन पैदा करेगी। ये मजीद एलजी न्यू सेल्स और फिर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन फिर बैक्टीरिया इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। एलजी ऑक्सीजन दे रही है, बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं जिसकी के एलजी को ज़रूरत है। जिस तरह पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसी तरह एलजी भी ये सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करती है। तो ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है टॉप लेयर ऑफ द फैकल्टेटिव पॉन्ड में बिटवीन एलजी एंड बैक्टीरिया, और इसको बैक्टीरिया एलजी सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तीसरी टाइप पॉन्ड्स की मैचुरेशन पॉन्ड है। ये आपके सामने एक कॉन्सेप्ट डायग्राम है। इन फ्रंट एक पाइप के जरिए आता है, इसकी डेप्थ 1 से लेके 1.5 मीटर तक होती है और ये फुल्ली एरोबिक होती है। फुली एरोबिक का क्या मतलब है? पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम एरोबिक है, और सनलाइट ये इतनी शैलो होती है कि इसकी बॉटम तक पहुंचती है। और अगेन एक स्पेसिफिक टाइप की आउटलेट जिससे कि ऊपर को फ्लोटिंग चीज़ बाहर एफ्लुएंट के साथ ना चली जाए। दीज आर फुली एरोबिक एंड यूज आफ्टर फैकल्टेटिव पॉन्ड्स। पर्पज क्या होता है? प्राइमरीली यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ फीकल कॉलीफॉर्म। अब फीकल कॉलीफॉर्म कैसे रिमूव होते हैं, ये मैकेनिज्म है, इस पर भी हम देखते हैं, बात करते हैं। ये प्राइमरीली फीकल कॉलीफॉर्म रिडक्शन के लिए यूज होती है, और बीओडी रिडक्शन इसका पर्पज नहीं होता, याद रखिएगा, ये बात भूलनी नहीं आपने। इसका पर्पज फीकल कॉलीफॉर्म की रिडक्शन है। बीओडी रिडक्शन अगर थोड़ी बहुत हो जाती है एज ए साइड बेनिफिट, तो वो किसी कंसिड्रेशन में हम मैचुरेशन पॉन्ड के लिए नहीं लेते। अब किस तरह जो है रिमूवल होती है फीकल कॉलीफॉर्म की, उसके 3 तरीके हैं मैचुरेशन पॉन्ड में। नंबर 1 इज टाइम एंड टेम्परेचर। टाइम एंड टेम्परेचर, टाइम अच्छा खासा इसमें लगता है, टेम्परेचर भी हाई होता है सनलाइट की वजह से, तो टाइम एंड टेम्परेचर की वजह से फीकल कॉलीफॉर्म डाई ऑफ हो जाते हैं। इसकी पीएच एक दिन का खास हिस्सा ऐसा आता है जब बहुत हाई हो जाती है, 9 तक चली जाती है। इस हाई पीएच की वजह से भी बैक्टीरिया डाई ऑफ हो जाते हैं या फीकल कॉलीफॉर्म डाई ऑफ हो जाते हैं। तीसरा मैकेनिज्म जिसकी वजह से फीकल कॉलीफॉर्म रिड्यूस होते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी। आपके इलम में है कि सूरज की लाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि जरासीम कुश होती हैं, जरासीम को मारती हैं, तो उसकी वजह से भी फीकल कॉलीफॉर्म जो है वो डाई ऑफ होते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे फीकल कॉलीफॉर्म की रिमूवल होती है मैचुरेशन पॉन्ड में, टाइम एंड टेम्परेचर, हाई पीएच एंड हाई लाइट इंटेंसिटी। अब एक खास टर्म है जो कि वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के हवाले से, WSP के हवाले से, हेलमेंट्स। हेलमेंट्स ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी किस्म समझ लें, ये सेटल हो जाते हैं बॉटम पे एंड दे एवेंचुअली डाई एट द बॉटम। हेलमिंथ होते क्या हैं? दे आर पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या है? एक ये ऐसा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जब चला जाता है तो ये अपनी नरिशमेंट आपकी बॉडी से लेता है, वहाँ ग्रो करता है और आपकी बहुत सारी नरिशमेंट जो है वो इस्तेमाल कर लेता है। ऐसी जरासीम को, या आप इसको कुछ भी कह लें, पैथोजिन कह लें, इसको पैरासाइट कहा जाता है।
तो ये हेलमिंथ के जो एग्स हैं ये कैसे एंटर होते हैं ह्यूमन बॉडी में? ह्यूमन बॉडी के अंदर ये आमतौर पे मुंह के ज़रिए दाखिल हो सकते हैं, नाक के ज़रिए दाखिल हो सकते हैं, और एनस के ज़रिए जहाँ से आपका फीसिस निकलता है वहाँ से दाखिल हो सकते हैं। आमतौर पे वॉशरूम जाने के बाद जो लोग हाथ नहीं धोते, तो हाथ सही तरह ना धोने की वजह से भी खाने के दौरान अगर कोई हेलमिंथ है तो वो दोबारा उनके पेट में चला जाता है, या कहीं किसी ने वेस्ट वाटर से इरिगेशन की है, उसके हाथ गंदे हैं, उसने सही तरह धोए नहीं है और उसमें हेलमिंथ मौजूद था, तो वो उसकी बॉडी के अंदर जा सकता है। ये तीन रूट्स हैं बॉडी के अंदर जाने के। जब बॉडी के अंदर ये चला जाता है हेलमिंथ, तो फिर ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करता हुआ आपकी इंटेस्टाइन में आ जाता है और वहाँ जाके बैठ जाता है, और वहाँ फिर ये ग्रो करता है, आपकी बॉडी से फूड लेता है, मल्टीप्लाई करता जाता है। और ये आप बच्चा वीक होता जाता है या इंसान वीक होता है, उसकी सेहत नहीं बनती। वो कहते हैं ना जी, बच्चा खाता तो बहुत है लेकिन ये कमज़ोर है, इसकी सेहत ही नहीं बनती। वो बच्चे के पेट के अंदर ये हेलमिंथ होते हैं, या इसको पेट के कीड़े भी आमतौर पर कहा जाता है। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? ये आमतौर पर फिजिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए और स्टूल टेस्ट के ज़रिए होता है, और इसका इलाज जो है एंटी वॉर्म ड्रग्स दी जाती हैं पेशेंट को या बच्चे को, तो वो उससे वो ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कॉमन हेलमिंथ की, राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म। पिन वॉर्म जो है ये, अगर मैम मुझे आप इजाज़त दें, देखें पढ़ाई के अंदर तो मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा आपको, मैं बताऊंगा नहीं, आपको समझ कैसे आएगी? ये बच्चों को जो चुमूने नहीं काटते हैं, ये वो पिन वॉर्म, वो चुमूने होते हैं जिसको हम कहते हैं जी बच्चे को चुमूने बड़े हो गए, तो ये भी हेलमिंथ की एक फॉर्म है। टेप वॉर्म, टेप वॉर्म भी ये पेट के कीड़े। तो जो मैच्योरेशन पॉन है इनमें डिटेंशन टाइम 4 से 14 दिन तक होता है, साइड स्लोप्स 1 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल, और डी स्लजिंग पीरियड बड़ा लंबा, 20 साल के बाद। अब इसका क्राइटेरिया डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन क्राइटेरिया जो है ये बेस करता है फीकल कॉलीफॉर्म की रिमूवल के ऊपर। बीओडी रिडक्शन की कंसिडरेशन आती ही नहीं है इसमें। तो डिज़ाइन फार्मूला इसका ये अगेन डंकन मारा से लिया गया है, एन ई ओवर एन आई इट इज़ इक्वल टू 1/1 + KT। टर्म्स को हम डिफाइन कर देते हैं, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन डी कहूँगा। एन आई नंबर ऑफ फीकल कॉलीफॉर्म इन दी इन्फ्लुएंट वेस्ट वाटर के अंदर पर 100 ml। यूजली ये बहुत ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, लिटरेचर में अवेलेबल हैं, ये मैंने डंकन मारा के पेज 33 से लिया है। 10^7, ये आप समझ लें 10 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक सिर्फ 100 ml में ये मौजूद होते हैं। एन ई ये नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म है एफ्लुएंट में। जब मैचुरेशन पॉइंट से ट्रीट होके निकल गया तो फिर कितने उसमें फीकल कॉलीफॉर्म रह गए पर 100 ml। के इज द बैक्टीरियल डाई अवे कॉन्स्टेंट, बैक्टीरिया किस रेट पे डाई करते हैं? यूजुअली इसकी जो के की वैल्यू है ये 2.6 per day है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिटरेचर में रिपोर्टेड है, ऑब्वियसली ये रिसर्च करके निकाली जाती है। डकन मारा के मैनुअल में पेज 41 पे इसकी वैल्यू यही दी हुई है जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखी है। ऑब्वियसली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। KT इट इज़ इक्वल टू 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.19 रेज टू द पावर T-20, और टी क्या है? टेम्परेचर जो हम अपनी WSP के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, 14 या 16, ये तो मैं आपको वैसे जनरल बता रहा हूँ, आप ज़रूर तहकीक कर लें, वहाँ का डाटा ले लें ताकि आप सही टेम्परेचर पे पहुँच सकें। तो इसमें आप देखें कि ये अगर 14 डिग्री है तो यहाँ पे 14-20 आ जाएगा, और 14 डिग्री पे आप के की वैल्यू निकाल लेंगे। ऑब्वियसली जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ये 2.6 से कम होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा ये 2.6 से बढ़ेगी। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन डी में, टी जो है डिटेंशन टाइम है मैचुरेशन पॉन्ड में इन डेज में। समटाइम्स एक मैचुरेशन पॉन्ड रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है। फीकल कॉलीफॉर्म का जो क्राइटेरिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, दैट इज इट शुड बी लेस देन 1000 फीकल कॉलीफॉर्म पर 100 ml, वो पूरा नहीं होता। उस केस में वी ऐड मोर इन सीरीज, सीरीज के अंदर हम और ऐड करते जाते हैं, हैविंग सेम साइज
अब आप ये पूछेंगे कि ये साइज़ क्यों नहीं हम चेंज कर सकते, इसकी वजह ये है, दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट सिंपल एफिशिएंट कॉन्फ़िगरेशन कि आप रिएक्टर इन सीरीज ऐड करते जाएं। इन केस ऑफ एन पॉन्ड्स, फर्ज करें हमने एन पॉन्ड्स ऐड किए हैं, तो जो डिनोमिनेटर है इक्वेशन डी का, इट विल बी 1 प्लस KT1। ये T1 जो है ये एक पॉन्ड में डिटेंशन टाइम है, ऑब्वियसली अगर इक्वल साइज की हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस KT2, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस KT3, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन, फाइनली 1 प्लस KTn। तो उसका डिनोमिनेटर जो है वो ये हो जाएगा, मैं ऊपर जाके आपको दोबारा वहाँ दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे, ये सिर्फ 1 पॉइंट KT है, तो अगर मल्टीपल पॉन्ड्स इन सीरीज लगाई हैं इक्वल साइज की, वो 1 प्लस KT1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस KT2 और एंड सो ऑन, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहाँ ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। एफ्लुएंट जो है वो एक वेल डिज़ाइन मैचुरेशन पॉन्ड से, उसकी ब्यूटी आमतौर पे 30 मिलीग्राम्स पर लीटर तक होती है। तो आज हमने यहाँ पे प्रोसेस डिज़ाइन को ख़त्म कर लिया और फिजिकल डिज़ाइन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालबात, लेक्चर नंबर 12 को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, क्विकली हम इसको समराइज कर लेते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की सेकेंडरी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी WSP, वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड का आज आगाज किया गया। हमने ये देखा कि हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको। डेफिनेशन के बाद हमने ये देखा कि ये कहाँ कहाँ के लिए सूटेबल है। हमने देखा कि ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत सूटेबल है, जहाँ फंड्स अवेलेबल नहीं, टेक्निकल एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं, और एक इसके अलावा लैंड एरिया इजीली अवेलेबल होता है छोटे जगह पे, रूरल एरिया में, रूरल सेटिंग में, छोटे टाउन्स में, तो उसके लिए ये बड़ी अप्रोप्रिएट है। तो लेकिन ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं यूज़ हो रही, अमेरिका में, यूरोप में, बहुत सारी जगह जहाँ फिजिबल होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमने इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखी। ब्रीफ हिस्ट्री के बाद हम इसके डिज़ाइन पे काम शुरू किया। डिज़ाइन को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा उसका प्रोसेस डिज़ाइन, इसमें हम वॉल्यूमेट्रिक रिक्वायरमेंट को निकालते हैं, और दूसरा हिस्सा फिजिकल डिज़ाइन, इसमें इसकी ज्योमेट्री, पोजीशन ऑफ इनलेट एंड आउटलेट और चंद दूसरी चीज़ें आती हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तमाम हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल करते रहें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, कामयाबी आपका मुकद्दर हो, दीन और दुनिया दोनों की फलाह अल्लाह ताला आपको नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।